ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते हैं, राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक, हम लोगों की सेवा करेंगे। हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगा, इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी।